आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सितंबर के महीने में कोरोना बेहद ही घातक है। 11 दिन में ही अब तक 935 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। शुक्रवार को 94 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। जिले में अब तक 3836 मरीज मिल चुके हैं। आगरा में बेकाबू हो रहा कोरोना वायरस। जिले में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार 90 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को मिले 94 पॉजिटिव केस। आगरा जनपद में शुक्रवार के दिन भी कोरोना की रफ्तार तेज रही। शुक्रवार को 94 पॉजिटिव मरीज मिले। 11 दिन में मिल चुके हैं 935 मरीज। सितंबर के महीने में कोरोना वायरस की रफ्तार बेहद ही तेज है। 11 दिन में ही 935 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। जिले में संक्रमित मिलने की संख्या पहुंची 3800 के पार। आगरा जनपद में संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने से जिले में अब तक मरीजों की संख्या का आंकड़ा 3850 के नजदीक पहुंच गया है। जिले में अब तक 3836 संक्रमित मरीज मिले हैं। शुक्रवार को ही 2968 की जांच। आगरा जनपद में सितंबर के महीने में औसतन 2500 लोगों की प्रतिदिन जांच की जा रही है। शुक्रवार को भी 2968 लोगों की कोरोना जांच कराई गई। 11 दिन में 27449 की हुई कोविड जांच। 11 दिन में करीब 27000 से अधिक लोगों की जांच हो चुकी है। 11 सितंबर तक 27449 लोगों की कोविड जांच कराई जा चुकी है। जिले में अब तक 145013 की जांच। आगरा जनपद में लगातार लोगों की कोविड जांच कराई जा रही है। जिले में अब तक 145013 लोगों की जांच कराई जा चुकी है। आगरा में 2.5% से अधिक है सैंपल्स पॉजिटिविटी रेट। आगरा में सैंपल्स पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रही है। जिले की पॉजिटिविटी रेट इस समय 2.65% है। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।